प्रेगनेंसी का समय महिलाओं के लिए खुशी के साथ साथ परेशानियों भरा भी होता है, क्योंकि इस दौरान महिलाओं के शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी बिगड़ सकती है। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेगनेंसी के समय फिजिकली एक्टिव रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल एक्टिव रहने से प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कई सारी मुसीबतों को टाला जा सकता है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की सलाह नहीं देते। इस समय महिलाएं सिर्फ रोजाना वॉक करके अपने आप को एक्टिव रख सकती हैं। तो चलिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट से बातचीत करके बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कितनी देर तक वॉक करनी चाहिए और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मनन गुप्ता है। आपने कहाँ से सर पढ़ाई की है? दिल्ली मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS MD करी है। जर्मनी से मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कोर्स करा है, अल्ट्रासाउंड में कोर्स करा है, और मैं 3 साल से इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। 3 साल। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको मोस्टली डॉक्टर्स जो होते हैं वो वॉकिंग से की सलाह देते हैं कि आप मतलब चाहे तो ऑपरेशन सीजनल हो या तो जो भी, बट बोलते हैं कि आपको वॉक जरूर करना चाहिए। तो आप सर मतलब बताइए कि मतलब थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट में और सेकेंड में हमें कितनी कितनी देर की वॉक करनी चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या है? हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा हाफ एन आवर मॉर्निंग हाफ एन आवर इवनिंग के लिए ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। उसके बेनिफिट्स यही हैं कि एक्सेसिव वेट गेन इन प्रेगनेंसी से सिजेरियन सेक्शन के और बेबी में डायबिटीज़ के और मदर में जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। वॉक करने से पेल्विस का थोड़ा सा जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बेबी का वेट कंट्रोल में रहता है और मेटर्नल कॉम्प्लिकेशंस भी कम रहती है। एक्सेसिव वेट गेन से ना ही डायबिटीज़ बट और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि जेस्टेशनल अनीमिया, जेस्टेशनल कोलीसिस्टाइटिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेटर है कि फिजिकली एक्टिव रहें और वॉक करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इनकरेज नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी न्यूली एस्टैब्लिश हुई होती है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्जर्शन करने से मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट तो थोड़ा कंट्रोल रखें, ज़्यादा एक्सेसिव वॉकिंग या एक्सेसिव एक्जर्शन रिकमेंडेड नहीं है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ज़्यादा एक्सेसिव वॉकिंग या एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी अगेन पेशेंट लेबर में जा सकती है और समय से पहले डिलीवरी हो सकती है उसकी। आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18, दिल्ली।